हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रशासन की ओर से राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। एसडीएम कोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी पहुंचे। एसडीएम परितोष वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू, हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप विष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां पर वक्ताओं ने राज्य आंदोलन के दौरान हर प्रकार की घटनाओं को बड़े विस्तृत तरीके से बताया। इस दौरान जिस उम्मीद से राज्य की स्थापना हुई और आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, इस पर गहनता से चर्चा हुई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि राज्य के विकास में हम सभी अपनी सहभागिता देंगे। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जनपद मुख्यालय में भी आंदोलनकारियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जब से बना है तब से हमें दो बार यहाँ पर सम्मान मिल चुका है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और काफी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। हम लोग जेल रहे थे, हमें कभी कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हम लोग की जो पेंशन है वो बढ़े। 4,500 से कुछ नहीं होता है। आज का कमर में दर्द, इतने बैठ डंडे खाए हैं पुलिस के हम लोगों ने, हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी पेंशन भी कम है। हमारी पेंशन में खुशी बहुत है कि हमारा राज्य हमारा बन गया है, हम इसमें काफी खुश है। देखो बहुत खुशी का विषय है कि हम राज्य बने आज 23 साल हो गए हैं। आज वो आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा थे जिन्होंने राज्य आंदोलन में बड़ी अहम भूमिका दिखाई थी। आज उनका यहाँ पर सम्मान किया गया। मैं चाहता हूँ कि राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी, हमारे शहीदों का सपनों का राज्य था, उसको बनाने में हमारी सरकार काम करेगी। मैं तो पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूँ कि वो राज्य आंदोलनकारी धरती खटीमा से और चंपावत से वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो राज्य अवधारणा के काम करेंगे। स्थायी राजधानी, मूल निवास प्रमाण पत्र, भू कानून जैसे नियमों को पालन करवाई गए, सफल होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पूरा मेरी बधाई सब लोगों को। बहुत प्रगति की है। जब राज्य बना हमारा 400 करोड़ बजट होता था, आज 45-50 हजार करोड़ में बजट हुआ और राज्य में पलायन रुका, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, बहुत चीजें बची हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, बड़े युवा मुख्यमंत्री हैं, राज्य आंदोलन से जुड़े रहे और उनका मानना है, वो कहते हैं कि इस प्रदेश से हमको पलायन रोकना है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी उनकी योजना है अगला दशक उत्तराखंड का हो, पूरे देश में उत्तराखंड नंबर वन राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हम सब लोग उनका आज के दिन हम शपथ ले रहे हैं कि हम उनका सहयोग कर इस राज्य के जो सपना था आंदोलनकारियों का, उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। राज्य स्थापना की आज 23वीं वर्षगांठ है। मैं सर्वप्रथम सभी इस राज्य के निवासियों को राज्य स्थापना वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, 23वीं वर्षगांठ की। और साथ ही नमन करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने शहादत दी थी, जो शहीद हुए थे, और सभी उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था, सबको बधाई देता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश समग्र विकास कर रहा है और माननीय मोदी जी सदैव इस प्रदेश की चिंता करते हैं। उन्होंने मंच से उद्बोधन दिया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, इस उत्तराखंड प्रदेश के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। राज्य आंदोलन में जिन भी लोगों ने भागीदारी करी, शहादत दी, कठिनाइयों को झेला, निश्चित तौर पर आज उनको स्मरण करने का दिन है। इसी क्रम में यहाँ पर एसडीएम कोर्ट में आज सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रतिभाग किया, उनका हमने सम्मान किया, उनका अभिवादन किया। और मैं इस अवसर पर राज्य के सभी वासियों को, क्षेत्र के सभी वासियों को, नगर निगम क्षेत्र के सभी वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, राज्य स्थापना दिवस का जनपद का मुख्य कार्यक्रम नैनीताल में, परंतु जो कुछ राज्य आंदोलनकारी ऐसे चिन्हित हैं जो इनको स्वास्थ्य वगैरह की दिक्कतों के कारण नहीं जा पाते, उनको सम्मान के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी यहाँ पर आंदोलनकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मैं सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देखिए, आज जो जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है,
आज राज्य हमारा अगर अपना एक स्थान बना रहा है तो उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सभी को उसमें बधाइयाँ देना चाहूँगी, साथ ही उन जिन्होंने अपने इसमें प्राण न्यौछावर किए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ इस राज्य गठन की।